भाई थंबनेल देख के आ गए हो ना, अब इसी उम्मीद पे तो आए हो कि यार पैसा कमाना है। अब आपको लोग वीडियो तो बना के दे देते हैं, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी आप देखते हो, औरों की भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई पेमेंट प्रूफ तो दिखाता नहीं है। और आप भी यही कहते हो कि सर पेमेंट प्रूफ तो आप दिखाते नहीं हो, जब पेमेंट प्रूफ नहीं दिखाओगे तो हम काम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हम यहाँ पे काम करें तो पैसा मिलेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आज आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ ही दिखाऊंगा, लाइव मैं आपको उस वेबसाइट पे पेमेंट दिखाऊंगा कि मैंने कितना कमाया है, ये दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसको विड्रॉल कर रहा हूं, ये भी बताऊंगा कि कहां आप उसको विड्रॉल ले सकते हो। अब देखो, जब भी कभी विड्रॉल लेने की बात आती है तो आपकी जो गाड़ी है वो अटक जाती है पेपाल पर, मुझे पता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार पेपाल में पेमेंट क्यों, जब हम पेपाल में अकाउंट बनाने जाते हैं तो हमारा अकाउंट ही नहीं बनता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहां पर पेपाल में जब आप अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आपके पास मैसेज आते हैं, उन मैसेज में जो कोड्स होते हैं वो आपको डालने पड़ते हैं बैंक अकाउंट के लिए, तब आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होता है। तो ये काफी हेल्दी, जिसे मैं कहता हूं, या टफ प्रोसीजर होता है जिसको कि आप फॉलो नहीं करना चाहते तो आप इसको अवॉइड करते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो भी पेमेंट है वो डायरेक्टली आपको पेटीएम में मिल जाएगी तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, फिर तो हम ये काम करना चाहेंगे, पेटीएम में पैसा मिल रहा है तो और क्या चाहिए, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी और लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी तो यहां पर इस वेबसाइट ने पेटीएम का भी ऑप्शन दे दिया, ताकि जो भी यहां पर काम कर रहे हैं डायरेक्टली उसको अपने पेटीएम में ले सकें। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया के 90% से ज्यादा लोग जो है पेटीएम का यूज करते हैं, तो अगर आपके पास पेटीएम है तो समझ लो कि फिर यहां से आप काम करो और सीधा उसको पेटीएम में पैसा लेते रहो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, क्या है वो सारी चीजें मैं अभी वीडियो में आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब क्योंकि यार देखो, सबसे पहला सवाल तो माइंड में यही आता है कि हम अगर किसी वेबसाइट या किसी ऐप पर काम कर रहे हैं तो क्या वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम काम करें और हमें पैसा ही ना मिले, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसा करती है जो आपसे काम तो करवाती है लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो आपकी गलतियां निकालती हैं, तो ऐसी कोई वेबसाइट तो नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। क्यों, अब ये बात मैं इतने श्योर के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वेबसाइट को जब मैंने चेक किया ट्रस्ट पायलट पे, आप जानते हैं कि ट्रस्ट पायलट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर चेक कर सकते हैं, ट्रस्ट पायलट पे मैंने चेक किया और गाइज 5 में से 4.2 इसको स्टार रेटिंग मिली है। तो अब आप खुद से सोच के देखो कि अगर किसी वेबसाइट को 5 में से 4.2 स्टार मिल रहे हैं, इसका मतलब कि जेन्युइन तो है, लोग रिव्यू कर रहे हैं, लोग अर्निंग कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, इसलिए वो यहां पे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं ऐसे विश्वास तो नहीं करता, मैंने खुद से इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद वहां पे अर्निंग करी, उस अर्निंग को मैं आज लाइव विड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने अभी विड्रॉ नहीं किया लेकिन मैं लाइव विड्रॉ आपके सामने ही करूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या ये वेबसाइट वाकई में पैसा देती है। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब देखो यार, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हमें यहाँ पे काम क्या करना है। देखो, ये जो वेबसाइट है ये ना तो कोई आपसे टाइपिंग करवाएगी, ना कोई आपसे डेटा एंट्री करवाएगी, ना आपसे कोई कैप्चा कराएगी, ना किसी तरह का कोई और वर्क करवाने वाली है। तो आखिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे काम क्या करना है। देखो यार, सिंपल सा है, यहाँ पे आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, यानी कि जो आपको लगता है। देखो, आपने अपनी लाइफ में फॉर्म तो भरे होंगे, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक सवाल होता है और उसके 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो आप सही ऑप्शन को चूज करते हैं। अगर आप गलत ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन इस वेबसाइट की या इस वर्क की खासियत ये है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन मिलेंगे वो सारे के सारे सही है, तो आपको जो लगता है कि आपके लिए बेस्ट है आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे गलत कुछ नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो यार कितना अच्छा काम है कि एक सवाल हमें मिल रहा है और 4 आंसर सही है, और जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से सही है आप उस पर क्लिक कर दोगे, दैट्स इट, यानी कि टिक आपको करना है और उस क्लिक करने का पैसा यहां पे आपको मिल रहा है। तो यहां पे बस एक प्रॉब्लम यह है कि जो भी आप यहां पे लिखेंगे वो जेन्युइन आपको लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए आप सिर्फ टिक करते करते जाए और उसको सबमिट कर दें, नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि आपके पास एक सवाल आया कि आपके एरिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्रांड है बिस्किट्स के मामले में अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा बिकता है। अब पार्ले जी, गुड डे, इसी तरह से 2020, अब आपके एरिया में जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आप उस पर टिक कर देंगे तो वो आपका सही आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है लेकिन कंपनी इसका पैसा आखिर क्यों देती है। अब देखो यार, जब कंपनी आपके एरिया में ये जानना चाहती है कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांड पर है,
क्योंकि आप जानते हैं कि जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां सेल ज्यादा होती है, तो कंपनी यही पता करती है, और ये पता करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सप्लाई ज्यादा करती है ताकि डिमांड जो है वो पूरी की जा सके। तो इससे कंपनियों को बहुत फायदा होता है, इनसे कंपनियों को ये पता लगता है कि किन किन एरिया में किस किस चीज की डिमांड है और उसको वहां पे वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सेल ज्यादा होती है और उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो आपको इसका पैसा देते हैं। तो आपका यहाँ पे जो भी ओपिनियन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी कि आपको जो लगता है वो सही होना चाहिए। अब कैसे यहाँ पे काम करना है वो भी मैं बताऊंगा, आपको काम कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा, तो सारी चीजों का डिस्कस इस वीडियो के अंदर होने वाला है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अब क्योंकि जब आप इस चैनल पर आए हो तो इसी उम्मीद से आए हो कि यहाँ से आपको अर्निंग करनी है, और अर्निंग के लिए मैं आपको एक नहीं दो ऑप्शन देता हूँ। पहला तो आप वेबसाइट से करते हैं, दूसरा मैं अपने इस चैनल पर डेली गिव अवे भी करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है तो छोटी सी वीडियो क्लिप अभी आप देखिए। तो गाइज 100 रुपए कमाने, थंबनेल में आपने देखा है 100 रुपए डेली कमाने, ये देखो 100 का नोट है। अब 100 रुपए रोज कमाने का आपके पास मौका है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है, 1 मिनट से भी कम की वीडियो होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर डेली आपको 100 रुपए आप जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, यहाँ पे गिव अवे हो रहा है रोज 100 रुपए का, तो आप भी विनर बन सकते हैं। विनर बनना बहुत ईजी है, बस जो मेरी वीडियोस आएंगी यानी कि इसी चैनल पर जो मेरी वीडियोस आती हैं उन वीडियोस को आपको देखना है। देखने के बाद आपको उससे रिलेटेड एक कमेंट्स करना है, पॉजिटिव कमेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, पॉजिटिव कमेंट्स करना है। जिसका सबसे बढ़िया कमेंट्स होगा मैं उसको ऐप के थ्रू विनर वहां से अनाउंस होगा, और उस एक विनर को 100 रुपये मिलेंगे कैश, और ये डेली चलेगा। तो डेली आपके पास मौका है बिना कुछ करे सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद कमेंट्स कर 100 रुपये जीतने का। तो आपको पीछे नहीं रहना है, वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताता हूँ, उस पर तो अप्लाई करना ही करना है, साथ ही साथ गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है जो डेली 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो सोच के आ रहे हो यार 100 रुपये कमा रहे हैं ना बिना कुछ करे, तो अभी से अभी वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स की भरमार करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अगले विनर आप हो सकते हैं। और ये वीडियो में आपको करना ही है, हर वीडियो में करना, जिससे कि आप हर दिन यहाँ पर 100 रुपए का कैश जीत सके। थैंक यू गाइज। तो गाइज अभी आपने वीडियो क्लिप देखी, आई होप कि आपके डाउट्स तो क्लियर हो गए कैसे यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। देखो यार सिंपल सा है, वीडियो को आपको एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करना है, जो सबसे अच्छा कमेंट्स होता है उसको हमारी तरफ से गिव अवे मिल जाता है 100 रुपए का कैश। तो आप घर बैठे बैठे 100 रुपए डेली जीत सकते हैं, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये देखिए आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि आपको जो फॉर्म फिलिंग का काम है इसके साथ कौन कौन सी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिए फ्लिपकार्ट है, JB हाईफाई है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पेटीएम है, नून है, अमेजन है। तो जो मैंने अभी थंबनेल में लिखा था वो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ये इनके इंसेंटिव पार्टनर्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह का वर्क यहाँ पे आपको मिल रहा है, 100% जेन्युइन ये कंपनी है। और इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए द पैनल स्टेशन नाम है, और यहाँ पे आपको सिंपल से फॉर्म मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लाइव पहले आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से जो विड्रॉल करेंगे वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमें विड्रॉल नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर लाइव विड्रॉल आपको करके दिखाऊंगा, और इनकी जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर आप जो पैसा आपका है डायरेक्टली आप अपने पेटीएम में ले सकते हैं। तो ये चीज यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब देखिए यहां पे ये है योर वॉइस अवर पैनल बेटर ब्रांड्स आपको बनाते हैं, और आपको यहां पे काम कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर यहां पे आपको जो फॉर्म मिलेंगे उन फॉर्म्स को भरना है, यहां पे आपको फिर वाउचर्स और कैश मिलते हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उसका पैसा भी यहां पे आपको मिलता है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स यहां पे दी गई हैं। इनकी जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी, और आप इनको वहाँ से डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं। और ये जो सारे देखिए इनके फैमिली की यानी कि जो काम कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई, कौन कौन लोग हैं जिनको अब तक यहाँ पे पैसा मिल चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखिए हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है, क्यों डाउनलोड आप कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लॉगिन का है, एक रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर लाइव में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको पैसे विड्रॉल करने हैं। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पर जाता हूँ, लॉगिन पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करके मेरा आईडी और ईमेल आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, तो मैंने साइन इन पर क्लिक कर दिया।
जैसे ही मैंने साइन इन पर यहाँ पर क्लिक करा है, साइन इन पर क्लिक करते ही मेरा यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं यानी कि लॉग इन करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया है, आप यहाँ पर मेरा नाम क्लियरली पढ़ सकते हैं, मन्नू बिष्ट है। टोटल यहाँ पे पॉइंट्स 635 हैं, 25 मैंने पॉइंट्स रिडीम्स कर लिए हैं, 610 पॉइंट्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। अब देखिए यहाँ पर रिडीम का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपल सा इस रिडीम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिडीम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब देखिए लाइव मैं आपके सामने इसलिए दिखा दूँ कि आप हमेशा कहते हैं कि मुझे लाइव पेमेंट प्रूफ दिखाइए। तो जैसे ही यहाँ पर रिडीम के ऑप्शन पे आपने क्लिक करा है तो यहाँ रिडीम से ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे टेक सर्वे है और अर्न रिवॉर्ड्स है। अब हमें यहाँ पर रिडीम करना है, तो रिडीम करने के लिए बाद सिलेक्ट पे हमें जाना है। ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें पेटीएम से, अलग अलग ऑप्शंस से पैसे लेने के, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम पेटीएम से लेंगे, तो यहाँ पे मैं पेटीएम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरे को अपनी पेटीएम आईडी डालनी है, तो यहाँ पे मैं एक बार अपनी पेटीएम आईडी डाल देता हूँ। अब देखिए पेटीएम आईडी डालने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद अभी कह रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है। अभी कह रहा है यहाँ पे मिस्ड कॉल देनी है, तो जैसे ही मैं मिस्ड कॉल पे आंसर करूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा है डू नॉट आंसर द कॉल, और उसके मिस्ड कॉल करने के बाद ओटीपी आएगा कॉल पे, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे मिस्ड कॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने मिस्ड कॉल पे क्लिक कर दिया है, अब मेरे पास एक कॉल पे ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट कर लेना है। मैं भी वेट कर रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। मिस्ड कॉल मेरे पास आ चुकी है, मिस्ड कॉल यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं एक बार यहाँ पे मिस्ड कॉल में ओटीपी यहाँ पे देख लेता हूँ, 64 डिजिट का ओटीपी मेरे पास आया होगा, तो यहाँ पे मैं वो ओटीपी एंड करता हूँ। आप वेट कीजिए, ये मेरे पास कॉल आ गई, देखिए लाइव आपके सामने मेरे पास कॉल आई है। मैं इस कॉल को यहाँ पे सुनता हूँ और यहाँ पे मैं इस कॉल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो ओटीपी आया होगा वो ओटीपी मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, तो मैं ओटीपी चेक कर लेता हूँ। लास्ट एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ द कॉल, यानी कि जो हमारे पास कॉल आई है उसके लास्ट जो 4 डिजिट है वो हमारा ओटीपी है। तो मैं यहाँ पे वो ओटीपी डाल देता हूँ, 5276 ये लास्ट था, और मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे देखिए आ गया है मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, और आपको वेट करना है। अब वेट करते ही देखिए यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, अब हम यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही बाय पे क्लिक करा है, वी विल प्रोवाइड यू विद द वाउचर कोड ऑफ योर चूज इन 2-3 वीक्स टाइम, यानी कि अब हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो भी अमाउंट हमारा वाउचर का है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2-3 वीक्स टाइम में। तो ये हमारा हो चुका है, मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से लाइव मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है किस तरीके से अर्निंग करनी है। अब मेरे पास जो है यहाँ पर लाइव दिखाने का ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर कितने पैसे अभी कमाए, जाके ज़्यादा काम मैंने यहाँ पे नहीं किया है। अब देखिए पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है, अभी इतने हैं मेरे पास। और यहाँ पे देखिए आप, मैं दिखाता हूँ कि आपको कितना पैसा यहाँ पर आपको मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ पैसों की, देखिए यहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि अगर आपके 500 पॉइंट्स होते हैं तो आपको 75 रुपीज़ मिलते हैं, अगर आपके 1300 पॉइंट्स होते हैं तो आपको 200 रुपीज़ मिलते हैं, अगर आपके 250 पॉइंट्स होते हैं तो 400, इसी तरह से 4000 पॉइंट्स पे आपको 700, और 5000 पॉइंट्स पे यहाँ पे आपको 1000 रुपये मिलता है, यानी कि 5000 पॉइंट्स अगर आपके हो गए तो आपको 1000 रुपये मिल जाते हैं। तो लाइव मैंने आपको दिखाया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको काम कैसे करना है। अब सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको द पैनल स्टेशन जो लिंक मैंने आपको दिया है उस लिंक पे आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको एक बार पूरी डिटेल्स में दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आ गया, अब यहाँ पे रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपली उस रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा रजिस्टर नाउ इट्स फ्री, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गूगल से डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब गाइस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपकी 20 साल ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वही लिखिए जो 20 साल लगभग क्रॉस हो चुकी हो, और जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालेंगे उस डेट ऑफ बर्थ को आपको कहीं पर नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप मनी यहाँ पे रिडीम करेंगे या फिर जब आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वो आपका
डेट ऑफ बर्थ वहां से मांगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ आपको नोट कर लेना है, गलत नहीं डालना। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से, उसके बाद ज्वाइन अस नाउ पे इस क्लिक कर ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर आखिर आपको वर्क कैसे करना होता है। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पे आता है कि आपको काम कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको दो तीन तरीके मिलते हैं काम करने के। जो सबसे पहला यहाँ पे हमने बात करी है वो बात करी है यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म भरकर यहाँ पे आपको पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है पैनल प्रोफाइल, हिस्ट्री, बिट टू विन है, ब्लॉग है और हेल्प सेंटर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर रिडीम पे क्लिक करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स रिडीम कर चुका हूँ 525, यानी कि लगभग 75 रुपीज मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक टेक सर्वे का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। ये देखिए टेक सर्वे का यहाँ पे ऑप्शन है और अन रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो रिडीम मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स एक्सपायरिंग मंथ जीरो है, यानी कि मैं जो भी यहाँ पे पैसा था वो सारा रिडीम लगा चुका हूँ। अब इसी तरीके जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे, तो रजिस्टर करने के बाद देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उस ईमेल एड्रेस पर, यानी कि इसी ईमेल एड्रेस पर आपको इस पैनल स्टेशन की तरफ से यहाँ पर आपको सर्वे मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वे जो भी आपको मिलेंगे वो आपको तुरंत करने हैं। पैनल प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो पैनल प्रोफाइल पे आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी कि कौन कौन से पैनल पे प्रोफाइल पे आपने यहाँ पे काम किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको दिख रही हैं, हाउसेज है, लाइफस्टाइल है, स्पोर्ट्स है, पीएफटी है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट में क्लिक करूंगा हाउस की तरफ से, तो हाउस से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड है हमारा यहाँ पे सब कुछ हमें दिखाई देगा। हमें यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक कर देना है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको देखिए सर्वे मिलते कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार अपने अकाउंट्स में आपको जाके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने अकाउंट्स में लॉगिन हो चुका हूँ और ये देखिए द पैनल एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए मैसेज भी मेरे पास आ चुका है कि 500 पॉइंट्स मैंने रिडीम कर दिए हैं। तो ये लाइव मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ द पैनल। अभी देखिए द पैनल स्टेशन है मेरा, यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो द पैनल स्टेशन में सारी चीजें दिख रही है। तो जब भी आप यहाँ पे काम करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए प्रेडिक्ट द वर्ल्ड चैंपियन स्कोर 100 पॉइंट्स, यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे। तो मुझे करना क्या था, मैं यहाँ पे सीधे डोंट फॉरगेट टू चेक द डैशबोर्ड करना है, नवंबर है, लॉग इन नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे उसको अकाउंट को यानी कि सर्वे को फिल कर सकता था, मुझे 200 पॉइंट्स मिल जाने थे। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको आपके मेल पर मिलेंगी और एक एक सर्वे का यहाँ पे 200-200 पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35 रुपए आपको एक सर्वे के यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लाइव मैंने आपको दिखा दिया है। जो भी अमाउंट होगा पेटीएम से डायरेक्टली आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, 100% जेन्युइन है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ट्रस्ट पायलट पे इसको क्या रेटिंग मिली है, तो ट्रस्ट पायलट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और द पैनल स्टेशन में यहाँ पे लिखता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर आपको इसकी जो ट्रस्ट पायलट पे इसको कितना स्कोर यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ, द पैनल स्टेशन, ये देखिए द पैनल स्टेशन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखिए 4.5 इसको रेटिंग मिली हुई है, एक्सीलेंट रिव्यूज मिले हुए हैं। तो इसका मतलब कि 100% ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि ट्रस्ट पैलेट पर अगर किसी को रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो वेबसाइट जेन्युइन है। तो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, तो अभी से अभी आप क्लिक कर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू गाइज। तो गाइज अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बता सकूँ, सेम ऐसी ही आपको करना है। अगर आपको इस वर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ अगर मुझे लगता है कि आपका कमेंट सही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जहाँ पे इलॉजिकल बातें होती हैं, देखो वो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। साथ ही साथ आपको अप्लाई ज़रूर करना है, तरीका मैंने आपको बताया है, अभी से भी गूगल पर जाकर सर्च करना है और कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।